इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन नामक टापू के दक्षिणी भाग में स्थित एक देश है। इसका क्षेत्रफल 50,331 वर्ग मील है। ये यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा निर्वाचक देश है। इंग्लैंड के अलावा स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तर आयरलैंड भी यूनाइटेड किंगडम में शामिल हैं। ये यूरोप के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है, जो मुख्य भूमि से इंग्लिश चैनल द्वारा पृथकीकृत द्वीप का अंग है। इसकी राजभाषा अंग्रेजी है और यह विश्व के सबसे संपन्न तथा शक्तिशाली देशों में से एक है। इंग्लैंड के इतिहास में सबसे स्वर्णिम काल उसका औपनिवेशिक युग है। 18वीं सदी से लेकर 20वीं सदी के मध्य तक ब्रिटिश साम्राज्य विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, जो कई महाद्वीपों में फैला हुआ था और कहा जाता था कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। उसी समय पूरे विश्व में अंग्रेजी भाषा ने अपनी छाप छोड़ी, जिसकी वजह से यह आज भी विश्व की सबसे अधिक लोगों द्वारा बोले व समझे जाने वाली भाषा है। इंग्लैंड के धरातल की संरचना का इतिहास बड़ी ही उलझन का है। यहाँ मध्य नूतन मायोसीन युग को छोड़कर प्रत्येक युग की चट्टानें मिलती हैं, जिनसे स्पष्ट है कि इस भाग ने बड़े भूवैज्ञानिक उथल पुथल देखे हैं। आयरलैंड का ग्रेट ब्रिटेन से अलग होना अपेक्षाकृत नवीन घटना है। इंग्लैंड का डोवर जलदमरु मध्य द्वारा महाद्वीप से अलग होना और भी नई बात है, जो मानव जीवन काल में घटित कही जाती है। धरातल की विभिन्नता के विचार से इंग्लैंड को दो मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऊंचे पठारी भाग, मैदानी भाग। ऊंचे पठारी भाग इंग्लैंड के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलते हैं, जो प्राचीन चट्टानों द्वारा निर्मित हैं। हिमयुग में हिम से ढके रहने के फलस्वरूप यहाँ के पठार घिसकर चिकने हो गए हैं। दूसरी ओर मैदानी भाग नर्म चट्टानों, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा चिकनी मिट्टी क्ले के बने हैं। चूना पत्थर के नीचे गोलाकार पहाड़ियां निर्मित हो गई हैं, खड़िया चाक के पर्वतीय ढाल। नीचे के मैदानी भाग प्रायः दोमट मिट्टी के बने हैं। इंग्लैंड उत्तर पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश के समशीतोष्ण एवं आर्द्र जलवायु के क्षेत्र में पड़ता है। इसका वार्षिक औसत ताप 50 डिग्री फाप है, जो क्रमशः दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घटता जाता है। शीतकाल में इंग्लैंड के सभी भागों का औसत ताप 40 डिग्री फाप से ऊपर रहता है, पश्चिम से पूर्व की ओर घटता जाता है। पश्चिमी भाग गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म जलधारा के प्रभाव से प्रत्येक ऋतु में पूर्वी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म रहता है। वर्षा उत्तर पश्चिमी भागों तथा ऊंचे पठारों पर 30 फुट से 60 फुट तथा पूर्वी मैदानी भागों में 30 फुट से भी कम होती है। लंदन की औसत वार्षिक वर्षा 25.1 फुट है। वर्ष भर पछुआ हवा की पेटी में पड़ने के साथ कारण वर्षा 12 मास होती है। आकाश साधारणतया बादलों से छाया रहता है, जाड़े में बहुधा कोहरा पड़ता है तथा कभी कभी बर्फ भी पड़ती है। इंग्लैंड के मध्य में एक त्रिभुजाकार नीचा मैदान है, जिसकी तीन भुजाओं के समांतर तीन मुख्य नदियां उत्तर में ट्रेंट, पूर्व में ऐवान तथा पश्चिम में सेवन बहती हैं। भौतिक दृष्टि से यह मैदान लाल बलुए पत्थर तथा चिकनी मिट्टी क्ले का बना है। भूमि के अधिकतर भाग का यहाँ स्थायी चारागाह के रूप में उपयोग किया जाता है। फलक गोपालन मुख्य उद्यम है, परंतु ये प्रदेश उद्योग धंधे के लिए अधिक प्रसिद्ध है। मध्यदेशीय कोयले की खदानों, पूर्वी शाफ्टशाय, दक्षिणी स्टेफर्डशाय तथा वार्विकशाय की खदानों पर आश्रित अनेक उद्योग धंधे इस प्रदेश में होते हैं। दक्षिणी स्टेफर्डशाय की कोयले की खदानों के निकट व्यावसायिक नगरों का एक जाल सा बिछ गया है, जिसकी सम्मिलित जनसंख्या 40 लाख से भी अधिक है। इस प्रदेश के मुख्य नगर बर्मिंघम की जनसंख्या ही 10 लाख से अधिक 1971 में 10,13,366 है। कल कारखानों की अधिकता, कोयले के अधिक उपयोग, नगरों के लगातार क्रम तथा खुले स्थलों की न्यूनता के कारण इस प्रदेश को प्रायः काला प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। प्रारंभ में इस प्रदेश में लोहे का ही कार्य अधिक होता था, परंतु अब यहाँ तांबा, सीसा, जस्ता, एल्यूमिनियम तथा पीतल आदि की भी वस्तुएं बनने लगी हैं। समुद्र तट से दूर स्थित होने के कारण इस प्रदेश ने उन वस्तुओं के निर्माण में विशेष ध्यान दिया है, जिनमें कच्चे माल की अपेक्षा कला की विशेष आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण स्वरूप घड़ियां, बंदूकें, सिलाई की मशीनें, वैज्ञानिक यंत्र आदि। मोटर कार के उद्योग के साथ साथ रबर का उद्योग भी यहाँ स्थापित हो गया है। अन्य उद्योग धंधों में पशुपालन पर आश्रित चमड़े का उद्योग, बिजली की वस्तुओं का निर्माण और कांच उद्योग मुख्य हैं।